मंत्री को मैं बता दूंगा ना, झूठा मुगे तुम्हारे मेरे भी लग गया सभापति महोदय सरकार का मंत्री बोल रहे हैं। कितनी होगा सरकार का मंत्री होगा किसी का? बिराजी 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 ये जांच चल रही है, सीआईडी सीबीसी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। रही बात विधानसभा की, विधानसभा में मंत्री साहब बोल रहे थे कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया है, तो वो तो सबको पता है कि झूठा मुकदमा है सच्चा है, तो खुद बौखला रहे हैं, पूरी तरह हालत ख़राब हो रही है कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। झूठा क्यों, मैंने तो सच्चा मुकदमा लगाया है, सत्य है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज सारी जारी कर दी गई है, सारी सब में आ रहे हैं। अभी तो अपने बचाव के लिए करते हैं कि हमने हमारे ऊपर झूठा करा दिया, वो करा दिया, ऐसी कोई बात नहीं, सच्चा मुकदमा है, मेरा अपहरण किया था, खुद मंत्री जी ने किया था, करसन सिंह इनका पी है, उन्होंने, इनके साथ में एक दो और थे, वो गाड़ी थी, इन सब ने मिलके इन्होंने मेरा अपहरण करके अपने गिरावड़ी फार्म हाउस पर गाड़ी में डाल के लेके गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठी नहीं है, बिल्कुल सत्य है, और ये बात का नहीं सत्य ही होता है, कोई बात नहीं है, ये सब घबराए हुए हैं, इनकी आदत है लच्छेदार भाषण देना, लोगों को लुभाना, ये इनकी आदत है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, और सत्य तो सत्य होता है, सत्य कभी गलत नहीं हो सकता, सत्य की जीत होती है, और मैं जो कह रहा हूँ सत्य है, और मेरे को भरोसा है सीआईडी सीबी पे, राजस्थान की पुलिस पे, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि जो न्याय होगा वो मेरे मंजूर है, और मैं पूरा पूरा न्यायपालिका सबका राजस्थान पुलिस का सम्मान करता हूँ। वो तो इनके दबाव में आके लगाए थे, महिलाओं ने तो इनके दबाव में आके मंत्री जी के पक्ष में आके लगाए थे कि मंत्री जी कैसे इन पे दबाव बनाए, इसमें दबाव मान लें, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, उसकी जांच हो जाएगी, जांच चल रही है, कहाँ है, क्या क्या हमने अगर कोई चीज बेची है तो उनको उन्होंने खरीदी है, उसमें क्या दिक्कत आ गई, उसको तो उनको इनको मेरे को दबाव में डालने के लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। एक महिला का शोषण, मैंने प्रॉपर्टी का धंधा करता हूं मैंने उनको बेचा था, खरीदा नहीं था उनसे, बेचा था, वो प्लॉट जो मैंने बेचा था उसको मंत्री साहब के गुर्गे, मंत्री साहब इन लोगों ने हड़पना चाह रहे थे, उनको अपने फेवर में करके मेरे को अपहरण करके लेके गए हैं, वहां पर कागजों पे साइन करवाए हैं, वो खाली कागजों पे साइन करवाए हैं, और खाली चेक, मेरे भाई का खाली चेक लिया था इन लोगों ने, वो तो जब मुकदमा ही दर्ज करा दिया उन महिलाओं ने, तो वो तो जांच हो जाएगी, उसमें स्पष्ट आ जाएगा क्या दिक्कत है, हम गलत है तो हम दोषी रहेंगे, वो गलत है तो वो दोषी रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, मेरे को तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो नहीं घबराऊंगा, मंत्री साहब तो बौखलाए हुए हैं, कभी विधानसभा में कह रहे हैं, कभी कहां कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैंने तो होम करते मेरा हाथ जल गया, ऐसी कहां दिक्कत आ रही है, मेरे को तो भरोसा है राजस्थान की पुलिस पे, राजस्थान की एजेंसियों पे भरोसा है मेरे को, तो सारी जो सिटी बाय सिटी चल रही है, आगे मंत्री जी की गाड़ी है सफेद कलर की, जो सरकारी गाड़ी जो खुद को मिली हुई है, अलॉट हुई हुई है वो गाड़ी है, पीछे एक थार गाड़ी, उस पर गुड्डा लिखा हुआ है लाल कलर की है, ये मंत्री जी की खुद की है, किसी के मैं नहीं जानता, बाकी गुड्डा लिखा हुआ था इनके साथ, उसमें 7-8 आदमी थे, और पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ी थी, वो पहले उस टाइम में पता नहीं चला कहाँ की क्या है, पर वो एस्कॉर्ट की गाड़ी थी, और वो सब सीसीटीवी कैमरे में आए हैं, सारी चीज़ें आई हुई, उसमें कोई वो नहीं है, सब सीआईडी सीबी सब निकाल के ले गई हैं, सब आगे तक के जो टूल टैक्स हैं, रस्ते में और भी जगह हैं काफ़ी, सब निकाल लिए हैं, और जाँच चल रही है, मेरे को भरोसा है जाँच पे, सत्य तो सत्य होती है, सत्य तो सत्य होती है, मैं सत्य हूं, मेरे पर दबाव कौन बनाएगा, दबाव कौन बनाएगा, जो वो उनको पता है ये सत्य बोल रहा है, और सत्य तो मंत्री, मैं छोटा सा कार्य करता हूं, छोटा सा, अरे मंत्री महोदय सदन में विधानसभा में ये कह रहे हैं कि मेरे भी झूठा मुकदमा लग गया, थोड़ी सी बहुत बड़ी शर्म की बात है कि वो विधानसभा में सब अपने साथियों के सामने ये कह रहे हैं कि मेरे पे झूठा मुकदमा लग गया, कम से कम थोड़ी शर्म आनी चाहिए उनको कि झूठा मुकदमा बता रहे हैं, उनको पता है पूरी बात का, पता है कि मैं कैसे उठा के लाया हूं, कैसे डाला हूं, कैसे प्रताड़ित किया हूं, नंगे पैर
बनियान में, उस सर्दी के अंदर बनियान और पजामे के अंदर मेरे को लेके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो तो झूठा मुकदमा है। मैं तो आपको, मेरे पास शब्द नहीं है भैया, तो इसको शायद वो भी देखा, दिखा दो, स्पष्ट कर दो कि यहाँ ये बदमाश है, वो है। सीधे साधे आदमी को परेशान करना, दबाना, इनका ये दमखाना, ये तो पता है सबको, पूरी जनता जानती है, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि कैसे हैं, क्या है वो, तो आप ज्यादा क्या पूछो मेरे से। बिल्कुल 100% झूठे, 110% झूठे, 100% क्या, मैं 110% की कह रहा हूँ झूठे, बिल्कुल कोई नहीं ऐसी। अब मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद में मेरे को दबाव में लाके, दबाव में मेरे दो मुकदमे दर्ज कराए हैं, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।